हर किसी की यह ख्वाहिश होती है कि उनके घर में हमेशा सौभाग्य बना रहे। वो जितनी मेहनत अपने काम के प्रति करते हैं उसका पूरा फल उन्हें मिले, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अपने काम का पूरा फल नहीं मिल पाता और लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी मेहनत आखिर जाया क्यों जा रही है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोगों के घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिस कारण से उनके जीवन में सौभाग्य नहीं आता। ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखना वर्जित माना गया है और ऐसा करने से लोगों के घर में नकारात्मकता का वास होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए और ऐसा करने से नकारात्मकता आती है, क्योंकि समय विकास का प्रतीक होता है और बंद घड़ी रखने से घर में मनहूसियत का वास होता है। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि अगर आपके घर में कोई घड़ी टूट गई है तो इसे या तो मरम्मत करा लें या इसे किसी को दान में दे दें। आप चाहें तो इसे फेंक भी सकते हैं, पर इसे घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा, बंद घड़ी और कांटेदार वृक्ष नहीं रहनी चाहिए। इसमें घर में दलदला की वास होती है एवं घर में लोहे का बर्तन में भोजन ना करें, उसमें मानी जाती है। और ताम्र में, पीतल में भोजन करने से जस की और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। क्या असर पड़ सकता है मनुष्य के रखने से? मान हानि होती है, घर में दलदला की वास होती है और शांति घर में नहीं मिल पाती है, पारिवारिक कलह प्रारंभ हो जाती है। ज्योतिषाचार्य मनोहर आचार्य बताते हैं कि घर में कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। कांटेदार पौधे रखने से घर में दुर्भाग्य आता है। हालांकि घर में गुलाब या औषधीय पौधे रखे जा सकते हैं, पर इन्हें छोड़कर कैक्टस, बोनसाई या अन्य कोई भी कांटेदार पौधा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह कम वृद्धि को दर्शाते हैं और ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। वहीं अगर बात करें तो घर में पुराना कैलेंडर भी नहीं रखना चाहिए। घड़ी की ही तरह कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर की दीवारों पर पुराना कैलेंडर नहीं टांगना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर घर के दीवार पर नया कैलेंडर भी टंगा हुआ है तो कोशिश यह करनी चाहिए कि उसके सामने के पृष्ठ पर वही महीना और दिन दिखे जो अभी चल रहा हो। घर में टूटा हुआ दर्पण भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि टूटा हुआ दर्पण घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और नकारात्मकता की वृद्धि होती है, क्योंकि टूटे शीशे पर पड़ने वाली रोशनी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर घर में कोई क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ शीशा है तो उसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। घर में कभी भी नकारात्मक संदेश देने वाली तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, जैसे अकेलेपन, उदासी वाली तस्वीर, किसी शिकार का दृश्य, युद्ध का दृश्य या बिना फूल या फल वाले पौधे तथा रोने वाली तस्वीर। इन सभी तस्वीरों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए, ऐसा करना काफी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई भी चीज शामिल है तो इसे तुरंत ही अपने घर से हटा दें, अन्यथा आपको नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।